हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे जिम्नोस्पर्म और आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। जिम्नोस्पर्म के कुछ सदस्यों के बीजों को भूनकर खाया जाता है। बीजों को भूनकर खाया जाता है, जैसे पाइनस और जियोर्डिया। तो पहला इनका आर्थिक महत्व, जिम्नोस्पर्म्स के कुछ सदस्यों के बीजों को भूनकर खाया जाता है, भूनकर खाया जाता है, जैसे पाइनस, जिरोर्डियाना। इन पादपों के बीजों को भूनकर खाया जाता है। देखिए दो नंबर उपयोग इनका, पाइनस की लकड़ी से मासिस की तीलियां बनाई जाती, जूनिपेरस की लकड़ी से पेंसिल, स्केल और पेन के होल्डर्स बनाए जाते हैं। पाइनस की कास्ट से मासिस की तीलियां बनाई जाती हैं तथा जूनिपेरस की लकड़ी से पेंसिल, स्केल व पेन के होल्डर्स बनाए जाते हैं। अगला उपयोग देखिए, साइकस सर्सिनेलिया पादप जो होता है, इससे दक्षिणी भारत में चटाइयां बनाई जाती है। पाइनस सर्सिनेलिया की पादप की लकड़ी से दक्षिणी भारत में चटाइयां बनाई जाती हैं। इसका उपयोग चटाइयां बनाने में किया जाता है। इसका पाइनस सर्सिनेलिस की लकड़ी का उपयोग दक्षिण भारत में चटाइयां बनाने में किया जाता है। अगला देखिए महत्व, एफिड्रा से एफिड्रीन एल्केलॉइड्स प्राप्त होता है और एफिड्रीन एल्केलॉइड्स का उपयोग खांसी, जुखाम व दर्द निवारक में किया जाता है। ठीक है ना, एफिड्रा से एफिड्रीन नामक एल्केलॉइड्स प्राप्त होता है जो जुकाम, खांसी,
व दर्द निवारक में उपयोगी है। एफिड्रीन नामक एल्केलॉइड जो होता है, इसका उपयोग जो होता है खांसी जुकाम दर्द निवारक में किया जाता है। अगला देखिए इनका महत्व। थूचा की पत्तियों को उबालकर इनका उपयोग जो होता है वो खांसी व गंठिया रोग में किया जाता है। थूचा की पत्तियों को उबालकर इनका उपयोग जो है वो खांसी व गंठिया रोग में किया जाता है। थूचा की पत्तियों को उबालकर इनका उपयोग खांसी बुखार व गंठिया रोग में किया जाता है। अगला महत्व देखिए। एबिस, पाइनस और सिकोया की लकड़ियों का उपयोग दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाने में किया जाता है। एबिस, पाइनस, सिकोया लकड़ी का उपयोग दरवाजे, खिड़कियां व हल्का फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला महत्व देखिए जिम्नोस्पर्म के पादपों का। पाइनस से तारपीन व चीड़ का तेल निकाला जाता है और जिसका उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। पाइनस से तारपीन, चीड़ का तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। अगला महत्व, एबिस, पीसिया और क्रिप्टोमोरिया पौधों की लकड़ी का उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। एबीज, पीसिया, क्रिप्टोमोरिया क्रिप्टोमोरिया पादपों की लकड़ी का उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। अगला मात्र देखिए, साइकस रिवोल्यूटा के पादप से तने से एक प्रकार का मंड प्राप्त किया जाता है और जिसे साबूदाने के रूप में उपयोग किया जाता है, खाया जाता है। साइकस रिवोल्यूटा पादप के तने से जो मंड प्राप्त होता है जिसे साबूदाना कहते हैं और जिसे साबूदाने के रूप में खाया जाता है। साइकस
रिवोल्यूटा पादप के तने से एक प्रकार का मंड प्राप्त किया जाता है। जिसे साबूदाना कहते हैं। साइकस रिवोल्यूटा के बीजों को भूनकर खाया जाता है। साइकस रिवोल्यूटा के बीजों को भून कर खाया जाता है। तो इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व होता है। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व अधिक है, यानी कि इनके पादपों का लकड़ी का उपयोग किया जाता है, इनके पादपों के बीजों का उपयोग किया जाता है, इनके पादपों से जो तेल प्राप्त होता है उनका उपयोग किया जाता है, इनके पादपों से जो एल्केलॉइड्स प्राप्त होता है उनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म का महत्व